छत्तीसगढ़ के दुर्ग भलाई में कैंडू कैन पर्वत फाउंडेशन के चेयरमैन अतुल पर्वत के द्वारा समाज सेवा की ओर कदम बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि अपनी टीम के साथ दुर्ग भिलाई के सुपेला घड़ी चौक स्थित ट्रैफिक टावर में पहुंचकर 100 से अधिक जवानों व अधिकारियों के शीतल पेय जल व फूड पैकेट का वितरण किया गया है। ट्रैफिक DSP गुरजीत सिंह व ट्रैफिक TI श्रुति सिंह की मौजूदगी में इस कार्य को किया गया है। पर्वत ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लॉकडाउन के इस पीरियड में जनता की सेवा में कार्य कर रही हैं। यहां आपको बता दें कि कोरोना फाइटर्स जिसमें पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कामगार व मीडिया जन अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सेवा कार्य को लगातार अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज चिलचिलाती धूप में प्रत्येक चौक चौराहों में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक जवानों व अफसरों को ट्रैफिक टावर पहुंचकर उनका मान सम्मान बढ़ाया, साथ ही उन्हें कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागृत भी किया। आपको बता दें कि भिलाई केंडू पर्वत फाउंडेशन के चेयरमैन व युवा भाजपा नेता अतुल पर्वत ने छत्तीसगढ़ प्रांत के आधा दर्जन से अधिक जिलों में लॉकडाउन को लेकर फंसे लोगों को लाने में भी अहम रोल अदा किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अति आवश्यक होने पर ऐसा कोई भी परिवार उनसे सीधे संपर्क कर सकता है। दुर्ग भिलाई से संवाददाता राजेंद्र गाड़े के साथ सुनील सोनी की रिपोर्ट। बात की जाए चाहे प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य की बात की जाए, छत्तीसगढ़ राज्य के जो अन्य यहाँ रहवासी हैं वो अन्य प्रांतों में फंसे हुए हैं, उसके लिए लगातार क्या कहते हैं आपके द्वारा देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी से आपसे संपर्क करके उनको छत्तीसगढ़ वापस लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ऐसे कितने परिवार हैं जिनको अभी तक आपके द्वारा वो सेवा का उनको लाभ दिलाया जा सका और उसमें किस तरह के लोग थे, शामिल थे? मैं आप सब मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि अभी तक 25 ऐसे परिवारों को मैंने, जो लोग इधर उधर फंसे थे, उन सबको मैंने भिलाई, दुर्ग, रायपुर, जशपुर, राजनंदगांव, चाहे वो बैंगलोर में थे उनके परिवार वाले या कोई मेडिकल सुविधा से फंसे हुए थे, सबको मैंने केंद्र सरकार की मदद से, गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से मैंने उन लोगों को, ये बात सही है कि मैंने उन लोगों की मदद की है। राज्य सरकार का जो सेवा जो कर रही है इन लोगों के बीच में, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? राज्य सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। अभी उन्होंने कोटा से 75 बसें भेज के हमारे सभी नौजवान युवा साथियों को उन्होंने बुलवाया वहाँ से, कोटा से। ठीक है, 14 दिन का क्वारंटाइन उनको रहना पड़ेगा, बट मैं राज्य सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.